अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा आप सबका। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, आज मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूँ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हवाले से। जैसे कि रमज़ान भी है और हमारा पानी की इनटेक जो है बहुत नेगलिजिबल पॉइंट पे जा रहा होता है, और इसमें अगर देखा जाए एज ए ह्यूमन बींग वी रिक्वायर 70 to 80% वाटर। वाई डू वी रिक्वायर? बिकॉज इट रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसको रेगुलेट कर रहा होता है। इसके साथ साथ हमारी इम्यून की बूस्टिंग के लिए, हमारी बॉडी की पीएच बैलेंस के लिए, हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी जितनी भी टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर पैदा हो रही होती है, फास उत्पादे पैदा हो रहे होते हैं, उसको बॉडी से फ्लश आउट करने का काम भी जो है वो फ्लूड और यही पानी का इंटेक है वो कर रहा होता है। जैसे कि आपको पता है कि सारे दिन में हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, और जब अफ्तारी का टाइम होता है वहाँ पे हम ये करते हैं गलती बहुत बड़ी कि हम पानी का इंटेक करने की बजाय हमने तमाम शुगरी बेवरेजेस, फिजी ड्रिंक्स जितने भी हैं वो हमने रखे हुए होते हैं अपना रोज़ा अफ्तार करने की के लिए। बजाय ये कि हम इन चीज़ों का इंटेक करें, हमने क्या करना है कि आपने सिंपल ये करें कि आप 2 खजूरों के साथ 1 गिलास नीम गर्म पानी जो है उससे अपना रोज़ा अफ्तार करें। वाई वी हैव टू टेक प्लेन वाटर? स्पेशली आपको पता है कि सारा दिन हम हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में होती है, उस रेस्टिंग स्टेट में हमारा हाजमा जो है वो भी रेस्टिंग स्टेट पे ये क्या होता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको वर्किंग स्टेट में लाने के लिए सिप्स ऑफ वाटर से अपनी अफ्तारी के बाद आप अपना आगाज़ करें, जो कि आपके हाजमे के निज़ाम को वर्किंग स्टेट में लेके आता है, पहली बात। दूसरा ये कि इसके साथ साथ ये होता है कि आपका जितना भी बॉडी है वो अल्कलाइन जो है स्टेट में आना आ जाती है साथ में। उसके बाद आराम से आप फ्रूट चाट ले सकते हैं। फ्रूट चाट के साथ बाद में आप मगरिब की अदायगी करें। मगरिब की अदायगी के बाद बजाय कि हम अगेन ये शुगरी बेवरेजेस और फिजी ड्रिंक्स लें, क्योंकि ये तमाम जो हैं ये एक तो इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा आपकी ब्लोटिंग का काम करते हैं, तीसरा ये कि ये जो हैं ये आपकी शुगर की स्पाइक लेके आते हैं बॉडी के अंदर, जो कि फ़ौरन से ड्रॉप होती है, तो उसके बाद आपको वीकनेसेस और लेथार्जिक फील होना शुरू हो जाती है अफ्तारी के बाद। सो हमने इन चीज़ों का इंटेक करने की बजाय जो कि फिज़ी ड्रिंक्स जितने भी हम ले रहे होते हैं ये हमारी जितनी भी किडनी की ऊपर है उनके फंक्शनिंग के ऊपर बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। इसके साथ साथ फैटी लिवर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो डीरेंज होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे हार्ट स्ट्रोक के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपने ये करना है कि हमने इन शुगरी बेवरेजेस को अवॉइड करें जिसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा हैं, तो उसकी जगह हम जितने भी इन सीजनल, इस वक्त तरबूज आ चुका है, केरी आ चुका है, फालसे आ चुके हैं और इसके साथ साथ मेलन है, उनके स्लश और शरबत बना के नेचुरल फ्लेवर के साथ उसमें रॉक सॉल्ट ऐड करके आप ORS वगैरह ऐड करके आप आराम से ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं एडिशनल ऐड करने से आपके इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो बैलेंस अप रहेंगे, और पानी को फ्लूइड्स को कभी भी गल्प डाउन ना करें। एक तो आपकी ये बॉडी से फ़ौरन से नमकियात जितने भी हैं ये फ़ौरन से फ्लश आउट करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स फ़ौरन से फ्लश आउट हो जाते हैं साथ में गल डाउन करने से, तो हमने इनको पानी को हमेशा सिप्स की फॉर्म में लेना है। और इसके साथ साथ आप जब आप इन स्लश का इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके बाद आप कोई भी चना चाट ले सकते हैं। उसके बाद आप आधे घंटे पौने घंटे के बाद आप दोबारा से ये करेंगे कि आपने 1 गिलास पानी जो है अगेन आप सिप्स की फॉर्म में ले सकते हैं। उसके 15 मिनट के बाद आप आराम से चाय का इस्तेमाल करें। चाय का इस्तेमाल जब आप करेंगे उसके बाद अगेन आपका तरावी का टाइम है अगर, तो आप तरावी की अदायगी के बाद आप 1 गिलास मज़ीद सिप्स की फॉर्म में पानी लेने के बाद आप डिनर कर सकते हैं। डिनर के फिर 45 मिनट्स तक पानी का इंटेक ना करें, उसके बाद आप आराम से पानी का इंटेक कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी मज़ीद कोई फ्लूइड्स वगैरह जो आपके हैं होममेड के अकॉर्डिंगली नेचुरल फ्लेवर्स के साथ होलसम फूड जो हैं उनका कोई भी स्लश बना के या कोई स्मूदी बना के ले सकते हैं। इवन के दूध को जो है आप आराम से उसके डिफरेंट, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप बादामों वाला दूध वगैरह जो है वो रात में आराम से ले सकते हैं। ये तमाम फ्लूइड्स हैं जिसका इंटेक आप आराम से कर सकते हैं। सो इस तरह आपके फ्लूइड जो हैं इस तरह आराम से आपकी जो सारा दिन की फ्लूइड की इंटेक जो है वो जो रुकी हुई होती है वो आराम से इन फ्लूइड्स के थ्रू पूरी हो सकती है। लेकिन इसमें असूल ये है कि एक तो सिप्स की फॉर्म में लें, गल्प डाउन ना करें, आराम से रिलैक्सिंग स्टेट में रखें, लेकिन आगाज़ हमेशा प्लेन वाटर के थ्रू करें।
उम्मीद है ये छोटा सा मैसेज है आपके लिए, आपके लिए आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, आप खुद देखेंगे कितना इसका इम्पैक्ट आता है, आपकी जितने भी ब्लोटिंग कैंसर हैं वो नीचे आ जाएंगे आपकी, उसके बाद फ्रेश यू फील सो मच फ्रेश आफ्टर अफ्तारी स्पेशली, क्योंकि इसमें आपको लेथार्जिकनेस नहीं फील होगी और आपका हाजमा बहुत अच्छा रहेगा। सो डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।